Greetings everyone. Our exercise 1.2, question number 1. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. Question number 1 has 3 parts. First, second and third. Our first part is, every irrational number is a real number. क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? यस, कैसे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज रियल नंबर्स में दो नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. अभी सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आ गए, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, every point on the number line is of the form under root n, where n is a natural number. इस statement में हमें क्या पूछा गया है कि हर एक point number line पर under root n की form में हम draw कर सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, natural number है. Suppose हमने दो numbers ले लिए, under root 3 और under root 4. ये दोनों तो हमारे natural number हैं और ये number line पर draw भी कर सकते हैं. इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा ही अंडर 3.1, अंडर 3.2. ये नंबर लाइन पर ड्रॉ तो कर सकते हैं हम, बट ये नेचुरल नंबर नहीं होते. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है कि अंडर एम में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं. और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट का बिल्कुल अपोजिट है. क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं, पर हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. बिकॉज वही कंडीशन, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers irrational? If not, give an example of a square root of a number that is a rational number. इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि स्क्वायर रूट में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं क्या वो इरेशनल है? अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऐसे एग्जाम्पल्स दो स्क्वायर रूट वाले जो रेशनल होते हैं. देखो ये स्टेटमेंट तो हमारे रॉन्ग है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स के अंदर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो. हमने सपोज एग्जांपल ले लिया स्क्वायर रूट 4. 4 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 आता है. 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 को मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, 2/1. ये कौन सी फॉर्म बन गई, p/q की फॉर्म, जो कि एक रेशनल है. सेम एज इट इज √1. √1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आता है, 1. 1 को कैसे राइट कर सकते हैं, 1/1. ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स है. होल नंबर्स रेशनल नंबर्स. तो ये कंडीशन जरूरी नहीं होती कि स्क्वायर रूट्स में जितने भी नंबर्स हो सारे के सारे इरेशनल होते हैं. जो स्क्वायर रूट से प्रॉपर उनका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो नंबर्स रेशनल होते हैं. Okay, thank you, bye.